इस पूरे मसले को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद से बात की हमारे संवाददाता प्रदीप कुमार ने। पूर्व मुख्यमंत्री वरिष्ठ कांग्रेस नेता राज्यसभा में नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद हमारे साथ हैं। आजाद साहब, पुलवामा में एक बड़ा टेरर अटैक हुआ है, राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, सरकार के साथ है, आतंकवादी हमले को लेकर सरकार के साथ देने की नीति कांग्रेस ने साफ की है। लिथीपुरा पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में जो घटना हुई है, इस पर हमारी पार्टी भी, हम सब और सब देशवासी शोक मना रहे हैं। ये घटना बहुत ही दुखद घटना है हमारे देश के लिए, हमारे मुल्क के लिए, हमारे लोगों के लिए, और ऐसे समय में हमारी पूरी सहानुभूति है। दुख तो उन हमारे फौजियों की जान जाने पर है, लेकिन सहानुभूति उनके परिवार के साथ है। हम इस वक्त उनके परिवार के साथ खड़े रहे, और कांग्रेस पार्टी ने अपना दृष्टिकोण साफ कर दिया है कि हम मिलिटेंसी को ख़त्म करने के लिए, आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए, हमारी पार्टी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ जम्मू कश्मीर में या हिंदुस्तान के किसी भी हिस्से में फौज के साथ और सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ और पुलिस जो लड़ती है उनके साथ खड़े रहेंगे हमेशा, और सरकार का पूरा हम सहयोग देंगे इस देश में या कश्मीर में या दूसरे हिस्सों में आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए। और कोई भी देश अगर हमारे देश पर आक्रमण करता है, इस तरह का आक्रमण करता है, कम करता है या ज़्यादा करता है, हमारी पार्टी हमेशा सरकार के साथ बराबर खड़ी रहेगी उस आतंकवाद को ख़त्म करने। सुरक्षा मामलों की कैबिनेट बैठक हुई, कई फैसले लिए गए, मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा वापस लिया गया है, डिप्लोमेट प्रेशर बनाया जाएगा, कई कदम उठाएंगे, लेकिन पाकिस्तान को क्या जवाब मिलेगा, उसको लेकर क्या कहेंगे? उस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ कि सरकार ने क्या निर्णय लिया और क्या नहीं। जो भी उचित होगा भारत की एकता और अखंडता शून्य रखने के लिए और देश को आतंकवाद से बचाने के लिए जो भी कदम होगा, उस कदम में हम सरकार का सहयोग करेंगे। धन्यवाद बात करने के लिए। और सीधे तौर पर गुलाम नबी आजाद कह रहे हैं कि सरकार के हर उस कदम के साथ हैं जो आतंकवाद से निपटने के लिए सरकार रणनीति बनाएगी। सीधे तौर पर बड़ी बातें कहते हुए गुलाम नबी आजाद। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ प्रदीप कुमार, कोटा न्यूज।